नारद जी बोले, जब दो घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी के मृतिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहां कहीं भी हो प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बाहरी में और अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य कहाँ होता है, जहाँ दो नदियों का संगम हो। और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं। स्नान करने से पहले भगवान का ध्यान कर स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्ध आचमन्य आदि देना चाहिए। अर्ध मंत्र कुछ इस प्रकार हैं। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलाशयी भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्ध को आप ग्रहण करें। वैकुंठ प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भी विष्णु भगवान गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभो, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला अर्ध मैं आपको देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले ब्राह्मण भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्ध को द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु शिव तथा सूर्य को का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थ को तिल और आंवला का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री को यति और यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करने चाहिए। सप्तमी अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला व तिल का से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वहीं पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां, तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता ऋषि मुनियों तथा पितरों को विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उसे वर्ष प्रयत्न व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्य
से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति भाव सावधान होकर चंदन फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ के मंत्र का अर्थ कुछ इस प्रकार है, मैं पवित्र कार्तिक मास में स्नान मैंने किया है, हे विष्णु राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन फूल तांबूल आदि से वेदपाठी ब्राह्मणों को सदा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मण के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्य को इसका ना तो अपमान करना चाहिए ना ही इसका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिय तुलसी, आपको नमस्कार है, आप मेरे समस्त पापों का नष्ट करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत के का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ।